सही भाई हो मेरे, राम राम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। आज वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, स्टंट कैसे मतलब लगाते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि मोस्टली जब स्टंट करते हैं तो उन वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं भाई थोड़े इसके बारे में, मुताबिक कौन सा ईयर लगाते हो, कैसे करते हो, सारा कुछ पूछते हैं लोग। तो कभी टाइम नहीं लगता था यार, आज टाइम लगा है। तो आज आपको डिटेल में बताएंगे भाई कौन सा गियर लगाते हैं और कैसे कैसे, मतलब सारा कुछ आपको समझा देंगे। आपकी डिमांड आ रही है बड़े दिन से भी स्वराज के साथ टोचन करके, मतलब देखो आप तो कल वीडियो आ रही है अपनी स्वराज के साथ टोचन करके, देखा था स्वराज 855 के साथ। थोड़ी सी क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, वो आप देख लेना। तो वो वीडियो कल आएगी 1255 के आसपास। और यार आपको अपडेट देनी थी, जो अपना नूर भाई है पंजाब से, तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैक हो गया है, तो उन्होंने नई आईडी बनाई है। तो जल्दी से जल्दी आप जाओ और उनकी नई आईडी पे जाके उनको फॉलो कर लो। एक मिनट में उनकी आईडी का बता देता हूँ, नूर उपल 9898 नाम से उनकी आईडी है। तो आप जाके उनको फॉलो कर लो, एक बार सपोर्ट करो भाई को। उनके यार 60-70 हज़ार के आसपास फॉलोअर थे, और जो उन्होंने नई आईडी बनाई है उसके ऊपर भी 13 हज़ार के आसपास फॉलोअर हो गए उनके। चलो जिन्होंने फॉलो कर लिया है दी बेस्ट, जिन्होंने किया है एक बार जाके फॉलो कर लो। और यार टर्बो भी लगवानी थी अपने ट्रैक्टर के ऊपर, अब यार क्या बताऊँ, पैर के सारे काम रुके हुए हैं। बाइक को मॉडिफाई करना था, वो भी काम रुका है हुआ है। और यार तीन चार मतलब सोच रखी थी भाई ऐसी ऐसी वीडियो बनानी है, तो वो भी यार काम रुका हुआ सारा सारा पैर की वजह से। तो कल भी डॉक्टर के पास गया था, तो उसने पट्टी पुट्टी कर दी पैर के ऊपर, तो देखो अब कब तक ठीक होता है ये। चोट तो छोटी सी है लेकिन काम इसने बड़े बड़े रखवा रखे सारे के सारे। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आराम, 10-12 दिन के अंदर अंदर देखते हैं हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है। और एक बार बाइक और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो जैसी लाइट उस पर लगी है ना आगे वो वाली, ये चेक करो आप, यही वाली लाइट फिर यहाँ पे लगानी, आगे अंदर पड़ी है बस वो लगानी बाकी खाली, लगाएंगे उसको भी यार टाइम लगेंगे। 5 बुलेट को भी ठीक करवाना है बेचारी, इसके ऊपर भी धूल जम गई है सारी की सारी, इसको भी ठीक करवाना है। और इन लाइटों को उतारेंगे, इन लाइटों को उतार के थोड़े दिन और वहीं पे लगा देंगे इनको जैसे पहले लगा हुआ था। और एक ये रेस वाली तार भी टूट गई है, ये भी लेके आने नहीं। और भाई साइलेंसर ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसका रंग फैट हो गया ऊपर से, ये भी नया लेके आना है, नए लगा देंगे इसको उठा के सीधा। और क्या काम था, म्यूजिक सिस्टम तो अपना ठीक है ही, इसको तो अपग्रेड नहीं करना हमने। बाकी वायरिंग वायरिंग छोटी मोटी जो लाइटिंग की, ये लाइट भी ख़राब होगी, पता नहीं क्या हुआ इसको, ये जो PCR लाइट होती है ना लाली, ये भी ख़राब होगी, ये भी नहीं लेके आनी पड़ेगी। इसकी भी वायरिंग रह गई अभी बार लाइट की भी, इसकी भी वायरिंग करनी है। चलो कोई नहीं, चलो जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आते हैं एक बार। इस बारे मैंने काफ़ी बार सोचा भी मैं वीडियो बना दूँ, लेकिन टाइम नहीं लगता था यार। चलो मैं आज वैसे भी थोड़ा सा फ्री हूँ और खेत में भी बच्चे ज़्यादा नहीं है, तो आज थोड़ा बहुत आपको मैं स्टंट के बारे में बता देता हूँ। तो भाई कोई भी ट्रैक्टर, अगर हमें किसी भी ट्रैक्टर से स्टंट करना है, ये मान लो जॉन डियर है अपने पास, तो चलो स्वराज से लगा लो, सोनालिका से लगा लो, तो उस ट्रैक्टर में जिससे हम स्टंट मतलब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वेट का, जो इसमें मेन मैटर होता है वेट का और रेस का, तो ये लगा लो भाई। अपना ट्रैक्टर है पीछे से भारी है और आगे से थोड़ा हल्का है, तो अपना ट्रैक्टर जल्दी से आगे से उठ जाता है। अगर आपको सिंपल कोई ट्रैक्टर आपके पास और आपको उसे स्टंट करना है, तो सबसे पहले उसका जो आगे बम्पर होता है वो उतार दो, जो कंपनी की तरफ से आया है वो, या जो आपने आउट ऑफ मार्केट मतलब आउट ऑफ कंपनी बाहर से लगवा रखा है वो, तो उसको उतार दो आगे से बम्पर बिल्कुल ही, तो उतार। उसके बाद अगर आपने मोस्टर टायर डलवा रखे हैं, मैं आपको सजेशन नहीं करूंगा, आप उनको उतार के अपने सिंपल टायर डलवा लो अगर आपको स्टंट करना है तो। एक दूसरी बात, यहाँ से अपनी रेस खोल लो, किसी भी ट्रैक्टर की अगर कंपनी 20 की रेस देती है तो 3500 RPM, अगर 25 की देती है तो भी 3500-4000 RPM उसके आपने कर लेने हैं, ट्रैक्टर के 10 या 15 की रेस आपने खोल लेनी है, ठीक है। और पीछे वाले टायरों में पानी भरवा लेना है, अपने जो ये वाले टायर है इन टायरों में पानी होना जरूरी है, विदाउट पानी स्टंट मतलब लगता नहीं, लग भी जाता कहीं ट्रैक्टर से, लेकिन मोस्टली ट्रैक्टर से स्टंट लगता नहीं। दूसरी बात, जो अपने लिफ्ट होती है, ठीक है, इनकी सेटिंग करनी ज़्यादा जरूरी होती है। ज़्यादा नीचे हैं तो थोड़ा उनको बेड़ लो, ऊंचे कर लो, अगर ज़्यादा ऊपर हैं तो थोड़ा बहुत उसको नीचे कर लो, जैसे हमारी छोटी लिफ्ट है तो हमने थोड़ी बहुत नीचे कर रखी है, ट्रैक्टर ज़्यादा ना उठे।
और इसके बाद हर एक ट्रैक्टर पे जिस पे आपने स्टंट करना है उस पे ये यू पाइप सेफ्टी गार्ड हमारा होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसके बिना स्टंट करेंगे तो चोट लग सकती है, ट्रैक्टर पलट सकता है, आदमी मर सकता है भाई। तो इसके बाद अपना म्यूजिक सिस्टम भी होना ट्रैक्टर के ऊपर जरूरी है। अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा अपने ट्रैक्टर के ऊपर तो खाली ये यू पाइप होगा, अगर ट्रैक्टर पलटने लग गया तो ये सारा हिस्सा मुर्गे ट्रैक्टर के खत्म हो जाएंगे, टंकी तक भी ट्रैक्टर के टूट सकती है। अगर आपको सेफ्टी से सारा काम करना है तो बड़ा म्यूजिक सिस्टम पीछे तक, कम से कम मेरा भी छोटा है यहाँ तक होना चाहिए इतना लंबा। और इसके बाद ठीक है अपने डिपर भी उतार लो, मेरे भी कई बार टूट रखे हैं भाई, टूट चुके हैं लेकिन लगा के मैं तो रखता ही। और जो जिन ट्रैक्टर के आगे टंकी है उनका भी टंकी में से तेल निकलता है उसमें पन्नी पुन्नी लगा लेना। और जो लिफ्ट में ये फिट्टी होती है अपनी यहाँ पे पिन मत लगा लेना, तो क्योंकि नई पिन हमने यूज़ कर रखी है हमारा चल रहेगा अभी तक, इनमें ना 10 या 12 नंबर का आर पार जो काबला होता है ना तो नट होता है वो लगा लेना आप, क्योंकि ये पिन कई बार निकल जाती है ठीक है। और डंडा भी निकाल सकते हो आप। एक जो गेयर बॉक्स का तेल होता है वो मेरे ख्याल से सोनालिका से हमने करके देखा था उसका भी निकलता है, तो इस पे आप इस पे पन्नी पुन्नी कुछ लगा सकते हैं, यहाँ से भी तेल निकलता है गेयर बॉक्स का, और वहाँ से जो डीजल टैंकी का ऑयल होता है जो इंजन में जाता है वो भी लीक होता है, तो इन दोनों पे आप पन्नी लगा सकते हो। और इसके बाद फिर आपने सारा कुछ करने के बाद ट्रैक्टर आगे से कर लिया हल्का पीछे से भारी, फिर अपने ट्रैक्टर के ऊपर जाके आपने ये देखना भाई कौन सा गेयर मतलब इसके सीध में लगता है। जैसे हमारा ये आगे फ्रंट ये रिवर्स ये दोनों सीध में, तो हमारा स्टंट इससे लग जाता है। अगर आपका ये हो गया भाई ये लगा लो, जैसे आपका फ्रंट तो यहाँ पे है और रिवर्स ऐसे करके लगता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके गियर बॉक्स सीध में नहीं है तो पीछे वजन जैसे डंडा इसमें वजन डाल लो कम से कम भी 4 क्विंटल के आसपास। तो उससे क्या होगा, अगर आप रेस देकर क्लच छोड़ोगे ना तो आपका ट्रैक्टर बैक बजाने की आपको जरूरत नहीं, आपका ट्रैक्टर ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा। अब अपने पास कोई और दूसरा ट्रैक्टर होता तो हम उससे आपको करके दिखाते स्टंट, लेकिन फिलहाल वही बात अभी अपने पास यही है तो इससे ही आपको करके दिखाते हैं फिलहाल। और जो जोनडियर के जिनके पास जोनडियर है वो पूछते भाई कौन सा गियर लगाते हो, तो एक बार चेक कर लो भाई ये वाला गियर लगाते हैं, यहाँ से टॉप चौथा गियर ठीक है, और यहाँ से पहले आगे बजा के फिर पीछे बजा के फिर अगला गियर लगाते हैं, तो ट्रैक्टर एकदम आगे से खड़ा हो जाता है। क्लच की इसमें कोई सेटिंग नहीं होती, क्लच नॉर्मल जो होती है वो अपनी वो चल जाती है। और जब ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है तो वो ट्रैक्टर दबने लग जाता है, ये लगा लो कोई और भी होता है वो, तो ऊपर जाने के बाद मैं इसका तीसरा गियर लगा देता हूँ घुमाते टाइम, तो ये प्रोसीजर होता है। ट्रैक्टर यार फोन भी गिर गया था मेरे हाथ से, तो एक बार फोन मारो इधर। फिलहाल वीडियो होगी अपनी ये स्टंट वाली नॉलेज वाली, थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज समझ में आई होगी मेरे ख्याल से वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या होता है भाई, खड़ा होने के बाद ट्रैक्टर जो अपनी यहाँ पे 20 लगी हुई है, यहाँ पे देखिए ये लगी हुई है, तो तेल पीछे आ जाता है यहाँ पे इस हिस्से में और ये हिस्सा हो जाता है खाली, तो यहाँ पे फिर इसमें तेल नहीं रह पाता, इसकी वजह से ट्रैक्टर मिसिंग करता है। तो पहले भी इसके अंदर हमने पाइप दे रखी थी, पता नहीं किसी रीजन से वो पाइप ऊपर उठ जाती है, तेल में डूबी नहीं रहती, तो उसके आगे हमने कुछ लोहे का जुगाड़ा भी बना रखा है, वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। और एक बार इसको खोल ले ट्रैक्टर को उठा के, अगर ना उठाएंगे ऐसे कैसे खोल देंगे तो सारा डीजल नीचे गिर जाएगा, तो पहले ट्रैक्टर को उठाएंगे सारा डीजल पीछे आ जाएगा, 20 यहाँ से खाली हो जाएगी, फिर इसको खोल लेंगे, फिर आपको जुगाड़ दिखाते हैं वो जुगाड़ क्या है। तो एक बार मैं ट्रैक्टर को आगे से उठा देता हूँ, तो देखो भाई अब की बार ना लोहे का बोल्ट लगा दिया ताकि तेल में ना तैरती ना रहे, ऊपर ना उठे नीचे ही, मतलब तेल में डूबी रहे अच्छे तरीके से, इसलिए ट्रैक्टर मिसिंग ना मारे। और ये सारा तेल भी निकट गया यार, ट्रैक्टर सारा खराब हो गया ट्रैक्टर भी। और एक बात और नोट करो, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हो ना तो आपको इस बात का पता होगा, जब हमने ये पाइप डाली थी ना तो इस पे लोहे की ताड़ियां लगाई थी, दो टेप लगाई थी, वो पता नहीं यार अंदर ही रह गई यार, इसके टेप ना तेल के अंदर खराब हो जाती है इसलिए वो अंदर ही रह गई मेरे ख्याल से। अब की बार ना ये धागा लगाया है और ये देखते हैं ये अपना जुगाड़ चलेगा या नहीं चलेगा और कितने दिन तक चलेगा। इसका
ज्यादा लंबी चली ज्यादा और दिक्कत होगी इसमें दर भी रहेगा वो जो मतलब दिल्ली कर का बैठ जी डाल रखी थी यार कुछ तो ना ये छोटी थी आधी टंकी तक जाती थी और इतना इसके बीच में लास्ट वीडियो में आपने देखा अभी दो ना जो ताड़िया लगा रखी थी साइकिल की टेप लगा के सुमित का आइडिया था ये टेप लगाने का और टेप की और डीजल की आपको पता कितनी अच्छी बनती है तो इसकी ना कमिंग खराब होगी तो फिर इसको यार अंदर ही है अभी भी इसकी वो ताड़िया अंदर ही रह गई है तो अब की बार ताके का यूज किया है टेप तो यार बिल्कुल गलत काम था टेप का तो वो दोनों ताड़िया इसके अंदर ही रह गई है यार अब इसके अगले भाग पे ना एक नट लगाया आगे वजन के लिए ताकि नीचे ही बैठा रहे वो और ताड़ी अब की बार भी यूज किया लेकिन अब की बार धागा यूज किया चलो देखते हैं उससे क्या होता है क्या नहीं होता है बाकी जब दोबारा से ना कभी न्यू पाइप में दोबारा कभी प्रॉब्लम आएगी कुछ भी होएगा सीन या टंकी उतारनी पड़ेगी तब निकाल लेंगे हम तो दोनों ताड़ियों को टेप भी पड़ी है इसके अंदर चलो फिलहाल के लिए तो बाकी हो गया आज का काम अब जा रहे हैं यार घर पे ट्रैक्टर भी सारा सारा हम भी सारे सारे सेट हो रहे हैं क्या खाना पड़ा भाई और अपना इंडिया का झंडा भी लगा दिया ट्रैक्टर के ऊपर तो अभी जा रहे हैं रोड के सूट लेने थोड़े बहुत शूटिंग होगी भाई कंप्लीट देखो गुड़िया क्या हो गया।
तो सिद्ध आप घर घर जाके जो जो ड्रोन में अपनी वीडियो बनी ना वो ले लेता हूँ एक बार इनसे, फिर अपडेट हो रहा है। जानते हैं ना मनवा देंगे।